अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कचनार कीमा। कचनार कीमा बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, कीमा लिया 1 पाव, कचनार लिया 1 पाव, इसे मैंने तोड़ के धो के खुश कर लिया है। ऑयल लेंगे 1/2 कप, प्याज लिया एक मीडियम साइज का जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। अदरक लहसुन पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून, टमाटर पेस्ट लेंगे 1/4 कप, दही लेंगे 1 कप, इसको मैंने फेंट लिया है। नमक लेंगे 1 टीस्पून, सूख मिर्च पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून। 2 हरी मिर्चें लिए जिनको मैंने बीच से हल्का सा काट लिया है। हरा धनिया लेंगे 2 टेबल स्पून, पानी लेंगे हम हसबे जरूरत। कीमा कचनार बनाने के लिए हम एक पतीली लेंगे, इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले कीमा। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, सूख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, मिक्स करेंगे। इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 15 मिनट तक पकने देंगे। अब हम कीमे को चेक करेंगे, इसमें हल्का हल्का सा पानी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर पेस्ट, मिक्स करेंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम इसे भून लेंगे। हम इसे 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे कि इसमें जो कीमे की स्मेल है वो खत्म हो जाए। कीमे को मैंने भून लिया, इसमें स्मेल खत्म हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कचनार, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे दही, मिक्स करेंगे। दही डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे 15 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि दही का पानी खुश्क हुआ है कि नहीं। अब हम सालन को चेक करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। अब हम इसे फिर से कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 3 मिनट दम पे रख देंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब हम कवर खोलेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, मिक्स करेंगे। कीमा कचनार हमारा तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सालन को डिश आउट करेंगे। कचनार कीमा हमारा तैयार है। अगर आप इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। अगर आपको ये कचनार कीमे की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अल्लाह हाफिज़।